नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9-10 के लिए जो SST का पेपर हुआ था, वही पेपर यहाँ पर आपके सामने है। इसमें जो पहला पार्ट था वो लैंग्वेज का था, दूसरा पार्ट जनरल स्टडीज़ का और तीसरा पार्ट सोशल साइंस का। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कुल मिला के 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है और कुल 150 प्रश्न आपको हल करने को मिल रहे हैं। जो पहला पार्ट होता है ये लैंग्वेज वाला होता है। लैंग्वेज में कुल मिला के 8 प्रश्न इंग्लिश के हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं। इसके अलावा बल्कि हिंदी मुझे टफ लग रही है कि जिनकी ग्रामर तैयार नहीं होगी वो हिंदी को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो हिंदी के सभी 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न इंग्लिश के, सभी 30 प्रश्नों को हम लोग ऑलरेडी इसकी जो आंसर की है डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ, तो जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो पार्ट टू होता है यानी कि जनरल स्टडीज। अच्छा, कुछ लोगों ने यह पूछा था कि क्या सर ये पेपर बायलिंगुअल होता है, तो हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बायलिंगुअल पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है ये। और ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ ए है। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल आपको जो है आंसर ही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 30 तक लैंग्वेज वाला पेपर था, उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल स्टडीज़ की पेपर हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं। तो 31वां क्वेश्चन था कि 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 रुपये है, 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 रुपये है, 1 बल्ला और 1 गेंद की कीमत क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन ए होगा। तो 1 बल्ला मिलेगा 850 रुपये का और 1 गेंद मिलेगी 125 रुपये की। ये बस मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और इसका जो सॉल्व होगा वो एक अलग वीडियो में आएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में ख़रीदता है और 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है। ठीक है, तो दोस्तों उसका जो प्रतिशत मुनाफा है वो 33.33% है, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। एक हैकर को पता चलता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में हैं और 4th अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसे कुल मिला के 720 प्रयास करने पड़ेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। प्रश्न है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल 12 करणी में 5 वर्ग सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या है। तो इसका भी जो आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी नेक्स्ट है आपका। 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है, दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो इसका उत्तर है 56.5। तो आगे और भी प्रश्न आ रहे हैं, अभी ये मैथ के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि फिर इंग्लिश वर्जन आ जाता है, उसके जस्ट नीचे फिर से आपको जो हिंदी का जो पेपर है यानी कि हिंदी में जो प्रश्न है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है, यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र वर्ष में कितनी होगी। तो इसका भी उत्तर है 24 और 18, यानी कि विकल्प ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर यहाँ पर दिया गया है, मैं सभी आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक ही बता रहा हूँ। तो 37 का जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। इसके बाद 38वां जो क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन का भी जो पहला विकल्प है करेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। ठीक है, तो 39 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। L1 सूर्य अवलोकन बिंदु कितना है, L1 है, इसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें गांठ और पर्व होते हैं, यानी कि विकल्प बी करेक्ट होगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL 10 सेंटीमीटर है, पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो 41 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, 41 का आंसर यहाँ पर सी बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 42। और प्रश्न होगा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, यह इसलिए होता है क्योंकि।
तो दोस्तों अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। इसके बाद एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? ठीक है, तो 43 का आंसर बनेगा यहाँ पर आवृत्ति, विकल्प ए करेक्ट है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है कितनी? तो सी बटा 137 इसका सही जवाब है। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, जब टी बाई थ्री के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ई बटा 81। ठीक है, ई बटा 81। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो अम्ली के एम एन ओ फोर का रंग नष्ट कर सकता है तो वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी C6H8O7। ठीक है, C6H8O7। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन होगा आपका कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो 48 का जवाब है ऑप्शन ए बिमल पटेल। ठीक है, और 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? तो 49 का जो आंसर है फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा इसका उत्तर 49वां। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है कि अजाली असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो जी ट्वेंटी का सबसे नया सदस्य बना है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? अजाली असोमानी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में दोबारा से आए। तो इसका आंसर है कोमोरोस। ठीक है, तो कोमोरोस अजाली असोमानी, इन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें G20 का अध्यक्ष के रूप में भाग लिया था। तो वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका उत्तर होगा कोमोरास, विकल्प सी सही है। मानवाधिकार दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो होता है फ्रेंड्स ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को होता है। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह संस्थापक थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन, तो फ्रेंड्स इसका जो विकल्प सही है ऑप्शन ए होगा, दलित आंदोलन से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी जो होती है ये किस राज्य में मिलती है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, तो कई राज्यों में मिलती है, गुजरात में भी मिलती है, कर्नाटक में भी मिलती है, तो यहाँ पर एक से अधिक विकल्प आपके सही होंगे। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो सही जवाब है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के अस्तर में जमा होता है? तो जो अवसादी चट्टान होते हैं ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सी एक फलीदार फसल है? 58 का आंसर देखिए, कौन सा एक फलीदार फसल है? तो दोस्तों 58 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, दलहन। फिर कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 59 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और
पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं कैसे? तो ये भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं, भूमिगत जल के द्वारा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थल आकृतियाँ बनती हैं। 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये होता है विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपको पता ही होगा विश्व पृथ्वी दिवस होता है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण, ठीक है, विकल्प बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर वी डी सावरकर, डॉक्टर नहीं बस वी डी सावरकर। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन? तो इसका आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संथाल विद्रोह, ये सबसे पहले घटना हुई थी। वंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सन्यासी विद्रोह। और प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो बंगाल विभाजन में, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो ये प्रश्न आ ही गया अंततः, सही जवाब इसका है चितरंजन दास, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने की थी। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है डेविड हेयर ने। और ये अंतिम प्रश्न होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 70 आ रहा है। किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। तो फ्रेंड्स ये कॉमन पोर्शन होता है लैंग्वेज वाला और जीएस वाला, तो लैंग्वेज का और जीएस का दोनों का जो पार्ट है यहाँ पर मैंने आपको हल करवा दिया। वैसे जो लोग अभी पार्ट टू पर नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो लोग डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको जो है लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है वो भी इसी में हल करवा देता हूँ, आइए चेक करते हैं। तो लैंग्वेज में कुल मिला के यहाँ पर इंग्लिश में 8 प्रश्न और इंग्लिश में 8 प्रश्न और हिंदी में कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि इन द स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या विकल्प रहेगा सही? तो द, ठीक है, पहले में सी आएगा। फिर दूसरा विकल्प होगा आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस, तो इसमें आएगा एन एक्ट्रेस। तीसरा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर, तो इसमें होगा बे ऑफ बंगाल, ये रिवर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइविंग रूम, तो चिमनी और सोफा सेट, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही होगा, चार का उत्तर डी बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका टुडे इज संडे द डे बिफोर एस्टरडे वाज, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, ऑप्शन बी करेक्ट है। नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर, दिसंबर जनवरी, तीनों ही गलत हैं, मतलब ऑप्शन ई करेक्ट होगा। हस्बैंड ब्रदर, हस्बैंड का जो भाई होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। मदर्स पेरेंट्स आर, तो मदर के जो माता पिता हैं उनको आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स उनको आप कहेंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था कि कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो यहाँ पर भाव बिहवल ये प्रत्यय रहित है, बाकी झुकाव और उल्लेखनीय में प्रत्यय है, तो उत्तर ऑप्शन बी है। भाषा की उपयुक्त परिभाषा पूछा गया था, तो इसमें था कि विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है, विचार भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। तो यहाँ पर देखो दोनों सही हो सकते थे, लेकिन आयोग ने इसी को सही माना है, विकल्प सी को सही माना है। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर आयोग ने माना है कि दो प्रकार होते हैं बस, ठीक है। और हर स्वर कौन सा है? तो हर स्वर के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आयोग ने माना है केवल अ को, ये सही है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया
जा सकता है। तो ये आठ होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है कि अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। चौदह का सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पप्राण यहाँ पर च है, ठीक है। इसके बाद घोष ध्वनि कौन सी है, तो इसमें से एक से अधिक, ये विकल्प डी वाला सही था। फिर था स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, स्पर्शी व्यंजन है ऑप्शन ए वाला, ठीक है। यहाँ पर स्पर्शी को केवल ऑप्शन ए वाला माना गया है, 16 का ए सही माना गया है। फिर 17 पे आइए, 17 है अग्निशब्द का विशेषण, अग्निशब्द का विशेषण आपको बताना था, तो यहाँ पर आग्नेय को माना गया है। सब आयोग के उत्तर हैं। प्रकंपी व्यंजन कौन सा है, प्रकंपी व्यंजन ये र, र को माना गया। अर्धस्वर कौन सा है, 19, तो डी, मतलब ये को भी माना गया, व को भी माना गया। च वर्ग का व्यंजन कौन सा है, 20, तो ये सभी को माना गया है, उत्तर माना गया है ऑप्शन डी को। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केकी विहंग खग पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है, तो बी को माना गया है, विहंग और खग को। इसके बाद विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, 22, तो इसमें उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य जो कि अशुद्ध है, तो यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर जो आयु ने उत्तर माना है वो ऑप्शन ई को माना है, ठीक है। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है, उपवाक, सरल वाक, संयुक्त वाक्य, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होना चाहिए था, ये नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका आप मतलब आपका उत्तर बनेगा। फिर क्वेश्चन था कि जिन शब्दों से निर्गुणता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहेंगे उनार्थक शब्द, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। फिर है जिसे बुलाया नहीं गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, तो उसको अनाहूत कहेंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। संज्ञा की मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बस दो तीन प्रश्न और हैं। और रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है, तो ये रूढ़ शब्द माना जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन था कि कौन सा मात्रिक छंद है, तो दोहा को माना गया है, दोहा को मातृक छंद माना गया है, हालांकि सोठा भी मातृक छंद ही है और दोनों नेचर में दूसरे के उल्टे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल मतंग विकसे संग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन लिंग कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें जो है अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये आपका पूरा लैंग्वेज हो गया और जीएस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।